तो फिर चल गया भाई, चालू हो गया है तेरा लैपटॉप, ये है अब तेरा भाई देख सकता है खुश मतलब चला के देख सकता है चल कैसा रहा तो हो सकता है डिस बैटरी बिल्कुल डेड। अब मेरे को लग रहा है तो इसमें कार की बैटरी लगा दे सबसे बढ़िया, नहीं इन्वर्टर लगवा देते ना। जय श्री राम दोस्तों, हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और गाइस कल का ब्लॉग नहीं डाल पाया, कल कुछ करा ही नहीं, बनाया नहीं। और कल मैच भी था इंडिया और न्यूजीलैंड का, तो हमारी इंडिया टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, बहुत खुशी हुई। और अब रात में पटाखे वटाखे भी फोड़े थे बंदों ने क्योंकि फाइनल में पहुंची थी। और गाइस मेन बात, दिवाली अभी बनी है, बट असली दिवाली 19 नवंबर को बनेगी जब इंडिया और अदर टीम कौन सी पहुंचती है, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में देखते कौन पहुंचती है। आज शायद इन दोनों का मैच है, जो भी पहुंचेगा इस इंडिया तो फाइनल ले जाएगी। और किस किस को खुशी हो रही है कि जो इंडिया फाइनल पहुंच गई, यार बहुत लोगों को खुशी हुई है। 19 तारीख को होने वाली असली दिवाली। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ दुकान पे, और आज वैसे भी लेट हो गया, पानी वानी भरा कोई है नहीं घर पे, तो जा रहा हूँ अभी दुकान पे बॉबी के साथ कहीं जाना, बॉबी कोई बुला रहा था मुझे, देखते कहाँ ले जाएगा, मिलता भी थोड़ी देर में। तो गाइस आज जा रहा हूँ मैं बॉबी भाई के साथ, लैपटॉप और आईफोन निकालने जा रहे हो ना भाई? कौन सा आईफोन 14 निकालने नहीं जा रहे भाई, पहले कंफर्मेशन लेने जा रहे हैं, फिर वहाँ लेंगे, एक आध दिन में ले लेंगे। 14 प्रो या 14? 14। तो गाइस आईफोन 14 देखने जा रहे हैं अभी, और इससे पहले हम जाएंगे ओखला, ओखला में कुछ काम है इसका, और उसके बाद जाने वाले हैं नेहरू प्लेस, जिसके लैपटॉप में कुछ करवाना। लैपटॉप में क्या दिक्कत आ गई? लैपटॉप बंद हो गया, उसकी सप्लाई नहीं ले रहा, पावर नहीं ले रहा। अच्छा पावर नहीं ले रहा है, ऑन नहीं हो रहा है आईफोन से, है ना? तो गाइस ऑन नहीं हो रहा है, मतलब कुछ दिक्कत आ गई है। तो नेहरू प्लेस में लैपटॉप की पूरी शॉप ही है, रिपेयर वही होते जाते हैं, वही तो सबसे बड़ी मार्केट ही है वो लैपटॉप की। तो गाइस वही जा रहे हैं अभी, और उससे पहले हम जा रहे हैं ओखला, ओखला में इसका कुछ काम है वो करके फिर निकलते हैं हम नेहरू प्लेस के लिए, फिर जाएंगे उसके बाद गाइस 14 प्रो के बारे में पता करने। तो ये तो मेरे से कह रहा है एक फेमस दुकान है यार रोहनी में, जे कम्युनिकेशन, वो बेटा रील्स इंस्टाग्राम पे वायरल है बंदा, 7-8 मिनट लेके बैठा हुआ है, उसी पे जाएंगे गाइस, सोचा है अगर वहां नहीं मिला तो। चलिए अभी चल रहे हैं, रोड पे ही है, बत्रा वाले मेन रोड पे ही है। मैं तो पता है मैं ना सुबह उठा, मम्मी पापा चल निकल गए, फिर हमें पानी वानी भरना था यार, पानी वानी भरते रहे तो 12 बजे 12:30 बज गए, फिर 1 बजे तक पूरा पानी भर चुका, फिर उसके बाद फिर योके नहा धो के 1:30 बजे तक मैं दुकान पे आया था, फिर मेरे टिकट बुक करा दी, तो टिकट बुक करा तो चलूंगा कहीं से। अरे वहां से यार क्या बोलते हैं राजस्थान गए ना पापा केला देवी, तो वहां से वापसी करवानी है ना। हाँ टिकट तुझे करानी है। हाँ यहाँ से लगाएंगे अपना सुरक्षा कवच। बॉबी एक बार जय श्री राम। जय श्री राम बोलो जंगली बाबा की जय। चलता था वो भी इतना चलेगा, वहां से ढूंढते हुए आ रहे हैं, उसने बताया वो बता रहा हूँ, मेरे को लगा वो सामने बिल्डिंग है, दीपाली तो बिल्डिंग है ही नहीं वो। बॉय भाई अब यहाँ पे पता करेगा या उसके लिए एप्पल के वहाँ चलेगा? भाई पहले तो लैपटॉप रिपेयर करेंगे, लैपटॉप रिपेयर कराने के बाद यहाँ ट्राई मारेंगे एक बार, फिर बाकी देखेंगे। भाई से पूछो क्या? पूछ ले भाई, यहाँ पे आईफोन का शोरूम है क्या? आईफोन का शोरूम आईफोन नगर में बता रहे हैं यार, ये नेल प्लस के माल में भी है, रखा है डाल दे पावर, तू एक काम कर देखते हैं भाई पावर डालनी पड़ेगी। तेरे पास भेज दूँ? हाँ आ रहा हूँ, मैं तेरे पास भिजवा देता हूँ। अभी ये मतलब वो भी साइड से क्या कट रखे हैं? अभी ये जो रबड़ होती है ना, क्रोम रबड़ होती है, साइडों से क्रोम रबड़ वाली क्रोम होती है इसकी, ये रबड़ कट गई है ना खुलने लगते हैं। मुझे लगा खा गया कोई चूहा साइड साइड में बैठ के, बच्चे उंगल करते ना साइड से, जैसे ही जैसे ही होता ना ऐसे ऐसे, वही मैंने भी देखी, मैंने ये तो गाय भी हो रखी है, बॉडी चेंज होती है ले बॉडी जाए, अपनी बॉडी लगवा दे इसमें आटा। हां बहुत मस्त आ रही है, देखना
अभी कंफर्म नहीं है ना ऑर्डर। पीसी हो लग रहा है यार यहां पे जितने ये तो चले कैसे अभी के जाएंगे पॉइंट गाइड में आएंगे। पीसी ने क्या बोला यार 20 का पीसी ने क्या बताया कि गलत कहा लैपटॉप लेके पीसी लेना था लेकिन वो एक फायदा ये होता है कि इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। कितने का दिया रेट बॉबी भाई का लैपटॉप? मेरा नहीं है भाई, मेरे बड़े भाई का सन्नी भाई का मेरा तो अलग है 1924 मतलब जो मदरबोर्ड है इसका रिपेयर होएगा, रिपेयर हो गया तो मिनिमम 2000 रुपये खर्चा आएगा, अगर नहीं हुआ तो कोई खर्चा नहीं है तो फिर नया मदरबोर्ड ही आएगा। नया मदरबोर्ड कितने का पड़ेगा एक अंदाजा? कॉन्फ़िगरेशन क्या थी इसकी? लेनोवो i5 16 GB था इसके साथ, 8 GB है तो ऐसे कुछ है, 1 TB का है। खोल भी पता चल पाएगा कितने का पड़ेगा मदरबोर्ड। अच्छा तो ये अभी नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा तो फिर 1-2 घंटे बाद। हाँ एक आध घंटा तो हम रुक जाएंगे, देख लो हो जाते हैं तब। कहाँ से आए? संगम ब्यास। संगम ब्यास आए ट्राई कर लेते हैं तो क्या करें फिर बाकी जब तक हम आईफोन पता कर लेंगे भाई, जब तक करेंगे हम जब तक पता कर लेंगे। कुछ साइन कर दो तो बता दो क्या क्या लगेगा क्या नहीं। यही खराब हो गया क्या? नहीं ये मदरबोर्ड ये केबल सारी उठानी पड़ेगी ना, ये निकालना पड़ेगा। शुभम साइन करिए इन पे। तो इसकी भी माँ होती है मदरबोर्ड से इसमें एक आध एक्स्ट्रा वो प्लस करने की वो है इसमें स्लॉट क्या इस उसकी स्टोरेज वगैरह प्लस करने की स्लॉट है इसमें स्टोरेज? हाँ इसको हटा के दूसरा लगा सकते हो एक्स्ट्रा का करके? एक्स्ट्रा का नहीं वो ज्यादा का लगा सकते हो, एक्स्ट्रा का नहीं है इसमें। अच्छा मुझे अपने वाले में लगवाऊंगा अभी तो नहीं, अभी तो खुला ही नहीं नया सर्विस सेंटर से ऑफर आ रहा है तो खोल देख का होगा घर पे बैठ के सर्विस सेंटर से लगवानी है 1 TV की। मैं भी लगवा लूंगा पर मेरे को अभी स्टोरेज की इतनी जरूरत है नहीं, खुल नहीं अभी तो अभी तो पूरा खाली पड़ा था मेरा भी, मेरा पता नहीं कितना खाली होगा अभी से आधे खाली होगा, इतना तो फोन का नहीं है, फोन फुल हो जाता वो फुल नहीं होता भाई वो लैपटॉप इसीलिए तो है। अच्छा भाई बाहर तो लिखा नहीं है कहीं दीपाली बिल्डिंग, वैसे और बिल्डिंगों पे लिखा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ है, हम तो देख के ऐसा नंबर मिलेगा ना, बाकी बिल्डिंग पे तो दिख रहा है लिखा हुआ ना। ये क्या है मतलब आपका? अरे वो है नोटिफिकेशन टन टन इसी की जरूरत नहीं है उसमें सीपीयू वगैरह की, पूरा एक ही मॉनिटर है उसी में चेंज करेगा क्या? नहीं चेंज करवा कर ले कीमत इसी की है लैपटॉप में है ही क्या है वही तो होता क्या है मदरबोर्ड का ही होता है। अभी ठीक हो जाए तो पता चलेगा, नहीं हुआ तो फिर इसकी कीमत पता चलती है। हाँ ये तो है, तो लंका लग जाएगी फिर लैपटॉप ही बदलना चाहिए फिर दो महीने में। हाँ बहुत महंगा डलता भाई, ऐसे डलवाएगा कौन, फिर तो नया लैपटॉप ले लो। हाँ यही बात है ना, फिर कह रहा आऊंगा आया मेरा बाइक का जुगाड़ करता रहो खा तो तेरा वाइड एंगल भी है ना
इसका दिल खराब हो गया, दिल खराब हो गया, फेफड़े लंग्स सही है लेकिन दिल खराब हो गया। मैं अभी दोबारा भाई पता करना कंपनी से कि दिल कितने का है। अपना दिल, अपना दिल दे देना वो टिकटॉक वाली हमारा दिल लगेगा नहीं भाई। भाई गाइस वो यार दिल बहुत धक-धक कर रहा है। देखो मेरे लैपटॉप की हालत, मेरे भाई की लैपटॉप की हालत, कहाँ पड़ा हुआ है, खुला पड़ा है इसके, इसके सारे दिल बिल सब फेफड़े फेफड़े सब लग पड़े हैं। देखो उसकी मतलब मम्मी उधर पड़ी इसकी पता पड़ मम्मी इधर पड़ी है इसकी, कैसा लग रहा है गाइस, देखते हैं गाइस क्या होता है। भाई पता करने गए हैं, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ अपना दिल दे दे इससे बढ़िया ऐसे, देखते हैं गाइस क्या होता है। लेकिन हम उम्मीद यही कर रहे हैं गाइस सही हो जाएगा, मैं बोलता रहा अपना दिल दे रहा है सही हो जाए। ऐसे सुनता नहीं झेल नहीं पाएगा तो बड़ा दिल। तुम बता रहे भाई 22,000 वो इसका फैन ही फैन नहीं कम से कम का भी फैन हो जाएगा तुम्हें बता 30,000 का ही बन जाता है। नहीं बंदे को तो अब आदमी के बजट के ऊपर, आदमी कम से कम पार्ट हल्का लगवाएगा तो सस्ता बन जाएगा, अब जब से हाई पार्ट लगवाएगा जाहिर सी बात है महंगा तो लगेगा ही। वही वो रेट देगा 3,00,000 के, तुम कह रहे हो 15,00,000 तक का, हम तो 3,00,000 अभी फेस टू फेस देख रहे हैं। ये बनना भी है 1,500-2,00,000 रुपए के सिस्टम, वो तो होता है यार ऊपर भी जाती है कम में भी होता है, जैसा कस्टमर वैसे तो जाएगा। जो बड़े बड़े गेमर्स वगैरह होते हैं ना ये बहुत हैवी मशीन लेते हैं, कैबिनेट कैबिनेट जो 35,000 रुपए का जो ये ढक्कन सा बस है, बस यही होता है सही होता है। लुक वाइज भी बंदा देखता है ना भाई, अब आजकल का जमाना ऐसा हर चीज देखता है बंदा, एक चीज नहीं वो आदमी चाहता है खुद से करने की। अभी लाइव स्ट्रीम कर रहे तो अपना सिस्टम भी दिखाएंगे, भाई सबसे मेन बात है गेमिंग में तो बहुत पैसा लग जाता है यार, बंदा होता था जो बनाता था वो ले लेता था। अब चाहता आदमी कि हम अपने हिसाब से अपना डेस्कटॉप डिजाइन करें, इसलिए आदमी अपनी पसंद की हर चीज बताता है। और मेन मुद्दा ये है जो बंदा वो करता है ना गेमिंग वगैरह करता है, पीसी इतने खतरनाक खतरनाक लेते हैं यार, कितने लाखों के भाई, बहुत महंगे महंगे लेते हैं, कमाते भी लाखों है भाई, वो ऐसी बात नहीं है। कहाँ जा रहे हो, ले लिया गुलाटी जी ने लिया है, तुमने डायरेक्ट इन्हीं का नंबर दिया था 15,000 बेकार है 15,000 कहाँ से लिया, बस इधर से पास से नहीं कहाँ से लिया होगा, मैं ही बता दे आपको शोरूम हमें भी लेना है, जूस आदमी है क्या, हम भी घूम रहे हैं आईफोन के लिए, हम भी आए आईफोन आईफोन लिया अब इसके फादर सही हो रहे हैं, बड़े सही हो गए। इसको बुखार आ गया है, गोली 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 खिलानी पड़ रही है इसे। लिखा है
अब घर जाने वाले हैं, अब हमें रात में पुनीत भाई को डर लगेगा तो मुझे गोदी में उठाने पड़ेगी। चालू नहीं हुआ अभी तक, स्लो है, यही बात है ना, इसको फास्ट करने का कुछ तरीका है बस। कितनी भाई को भी तो दो चेंज करवाने पड़ेगी है भाई, बाकी बाहर दिन क्या चेंज करवानी पड़ेगी, हार्ड डिस्क हार्ट चेंज करवाने तेरे लैपटॉप का पासवर्ड ने वायरल कर दिया है, ठीक है वो तो चेंज हो जाए। तो गाइस फाइनली हमारा लैपटॉप एकदम मस्त चालू हो गया है, इन भाई ने बहुत मशक्कत करके बाद चालू कर दिया, अभी कोई दिक्कत आ गई थी, टच नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा था, अब सब चलने लग गया है। बैटरी देखने, बैटरी लोड ले लिया, बैटरी देखो, वो भी टच चला ले भाई, वो चला लेंगे। 0% दिख रहा, चार्ज होने आ रही है, 920 एम, तो अलग से अलग ही, इसमें ऑलरेडी एक इनबिल्ट होता है जीपीएस, चल रहा है अभी, मतलब चल गया है, इसमें जान आ गई है। इसको स्मूथ करने का कोई तरीका बताओ भाई, एसएसडी एसएसडी लगवाओ बस। मैं तो बता रहा हूँ पहले, और स्मूथ करने का तरीका नहीं, एक रैम लग सकती है, इसके अलावा नहीं है, बैटरी नहीं बढ़ रही, बैटरी भी आई थिंक खराब है, नहीं बैटरी तो चार्ज होती थी यार, देखो ना इतने में तो मेरी हो जाती यार, 0 पे होता तो। गाइस फाइनली हमारा लैपटॉप पैक हो गया, बॉबी भाई इधर आओ, लो भाई हम भी आ गए, बॉबी भाई ने बैग में रख लिया, इसमें रख लिया हमने, देखो ये ना बैग आपका कौन सा, तो भाई इन भाई ने किया है। और गाइस आपको बताना चाहूंगा, इन भाई की नेहरू प्लेस में दुकान है, भाई नाम बताओ। मेरा नाम है सनी और हमारी शॉप का नाम है टेक जंक्शन, आप यहाँ पे मस्ट विजिट करिए, यहाँ पे लैपटॉप रिपेयर, डेस्कटॉप असेंबल, गेमिंग पीसी फुल्ली असेंबल होता है, और सब ट्रांसपेरेंट सामने आपके सामने होगा, भाई बता सकते हैं इनके सामने पूरा काम हुआ है लैपटॉप, गाइस मेरे सामने पूरा काम हुआ है, भाई ने इतना अच्छा काम किया ना क्या ही बताऊं। मेरे को पता चला था, मेरा दोस्त है एक विक्की नाम का, क्लासमेट था, उससे मेरे को पता चला, इन भाई के पास आया, फिर इन भाई ने देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, अभी भाई जब से बैठे हुए हैं बात करी ये वो, भाई ने बहुत अच्छा काम किया, हमारा एक्सपीरियंस बहुत बेटर रहा है इस मामले में, भाई को मौका देना आगे भी दोबारा काम करने का। और गाइस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर कोई भी अगर दिल्ली वगैरह में रहता है तो नेहरू प्लेस का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो भाई की दुकान है नेहरू प्लेस में, भाई नाम बताओ, मैं यार बोल नहीं पाता, टैग जंक्शन नाम है भाई, अभी आए नया विजिट कराए, और इन्होंने नाम में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टैग जंक्शन अपनी है जंक्शन, यहाँ पे आना है टैग जंक्शन पर। और गाइस आप नेहरू प्लेस में, गाइस नेहरू प्लेस मार्केट तो आप जानते ही हो, दिल्ली में रहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे गाइस हम। और भाई का नाम वगैरह, भाई नाम बताना अपना जरा, सनी प्रजापति, भाई का नाम सनी है, अगर आपको कुछ भी गेमिंग पीसी वगैरह कुछ भी लैपटॉप में दिक्कत हो कुछ भी हो, भाई के पास आ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में नाम वगैरह लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे गाइस हम, आप आके देखिए भाई साहब के आप मिलोगे, आपका दिल खुश हो जाएगा, अच्छे से अच्छे बजट में आपका सही करेंगे और एकदम बढ़िया काम करेंगे, कोई शिकायत नहीं होगी, ठीक है भाई, ओके ओके। गाइस अब हम जा रहे हैं घर, रात होने गई, शाम हो गई, गाइस अब घर पहुंचने जाएंगे तो अभी इसके पापा हमारे पापा दोनों चिल्लाएंगे। तो फाइनली गाइस लैपटॉप बॉबी भाई का रिपेयर करवा के घर आ चुका था, शाम को ही आ गया था दुकान पे, तो दुकान पे बैठा हुआ था, तो अब देखो घर आ गए, अब बज रहे हैं रात के 10:30, तो भाई 10:30 बज चुके हैं, इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, आई होप आप सबको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और गाइज घूम के ही मजा आया, और लैपटॉप रिपेयर करवा लिया, गाइज मैं वहाँ पे कीबोर्ड देख के आया हूँ, बड़ा मस्त कीबोर्ड है, अगर हो सके तो पैसे वैसे हुए मेरे पे तो लेके आऊंगा, वो लाइटिंग वाला है, लाइट वाइट लगी है बटनों में, और उसका जो माउस है ना वो मॉन्स्टर जैसा है, वो तो सोच रहा हूँ मैं लेके आऊंगा, तो पैसे वैसे होंगे तब लेके आऊंगा होगा। और मैं बता रहा था कि हम आईफोन देखने भी जाएंगे रोहिणी वगैरह, वहाँ गए नहीं थे, टाइम ज्यादा हो गया था इसलिए, तो इसलिए कल जा सकते हैं, देखते हैं कल जाए तो जाए, वरना टाइम निकाल के जाएंगे। तो आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और चैनल पे नए होते यार सब्सक्राइब करना मत भूला करो, और जो जो नया आ रहा है चैनल पे सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करके जाओ, हो सके तो बेल आइकन भी दबा दिया करो यार, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी मेरी वीडियो की। और गाइस कमेंट कर देना जय श्री राम, मिलता हूँ ऐसी न्यू वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तेरा भाई देख सकता है मतलब चला के देख सकता है, चल कैसा रहा यार यही देख सकते क्या सोच रहा है सोच रहा तू भाई गलत सोचा।